जैसे हम घर पे पलंग पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तो पलंग तो कम से कम 2-3 फीट ऊंचा होता है, तो उसमें अगर नमाज पढ़ते हैं और सामने से लोग आने जाने वाले भी हो, तो सूफरा रखना क्या जरूरी होगा उसके उसमें? जी सर। देखिए, आप चाहे पलंग पर नमाज पढ़ें या जमीन पर नमाज पढ़ें, किसी भी जगह नमाज पढ़ें, आपके लिए मुस्तहब ये है, हर नमाजी के लिए, जो आदमी मुनफरिद अकेले नमाज पढ़ रहा है या जो आदमी इमामत करा रहा है, उसके लिए मुस्तहब है कि वो सुतरा रख करके नमाज पढ़े। जहां पे वो सजदा करता है, उसके सजदा की जो जगह है, उस जगह से तकरीबन 1-1.5 बालिश्त छोड़ करके, हदीस में जो आया है कि बकरी गुजरने की जगह, उसके सजदा और सुतरे के दरमियान बकरी गुजरने की जगह, यानी 1-1.5 बालिश्त छोड़ करके आप सुतरा रखें। सुतरा कोई ऊंची चीज, 1-1.5 फीट ऊंची चीज आप रख लें। अगर सामने दीवार है तो दीवार ही आपके सुतरा के लिए काफी है, तो आप सुतरा रख करके नमाज पढ़ें, ये मुस्तहब है। ठीक है, जब आप सुतरा रखे हुए हैं तो सुतरा के पीछे से कोई भी गुजरे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुतरा रख करके फर्ज कीजिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी आपकी नमाज सही है, क्योंकि सुतरा रखना वाजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत है। अब जब आप सुतरा रख करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो आदमी गुजरना चाहे आपके सामने से, उसके लिए जरूरी है कि जहां पे आप सजदा कर रहे हैं उस जगह से आगे से गुजरे, सजदा के अंदर की जगह से नहीं गुजर सकता कोई। अगर सजदा के अंदर से गुजरने की वो कोशिश कर रहा है, तो आप उसको हाथ से मना करें, आप उसको हाथ से मना करें। तो गुजरने वाला इस बात का ख्याल रखे कि नमाज पढ़ने वाला जहां पे सजदा कर रहा है उसके पीछे से, यानी उसके मगरिब से हमको गुजरना है। लेकिन अगर आप सुतरा रखे हैं, तो सुतरा के जस्ट पीछे से वो इत्मीनान से गुजरे, कोई मसला नहीं है।